तो आज हम देखेंगे कि कैसे वियतनाम ने कोरोना वायरस को हराने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है। वियतनाम ने 5 स्ट्रेटजीज तैयार किए हैं। उसमें पहला है टेम्परेचर स्क्रीनिंग, दूसरा है लो प्राइज्ड टेस्टिंग, तीसरा है क्वारंटीन पॉलिसी, चौथा है टारगेटेड लॉकडाउन्स और पांचवा है कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशंस। तो हम एक आगे करके देखेंगे। तो इस इमेज में देखिए कि कोरोना वायरस केसेस आज 324 है और वहाँ पे एक भी मौत ही नहीं हुई है। 324 में से 267 रिकवर हो चुके हैं, तो उनका आंकड़ा बेहद ही अमेजिंग है और ऐसे अगर कई देशों ने अपनाया तो ये एक सक्सेसफुल तरीका हो सकता है कोरोना वायरस से बचने के लिए। जी हाँ, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई की है जिससे उनके जो डेली केसेस हैं वो बढ़ ही नहीं रहे, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजीज है। तो आगे हम देखेंगे। पहला है टेम्परेचर स्क्रीनिंग। वियतनाम ने टेम्परेचर स्क्रीनिंग फरवरी मंथ में ही चालू कर दी थी, जिसकी वजह से उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो उनके केसेस डेली केसेस हैं वो बढ़ने कम हो गए और उन्होंने जैसे ही कोई यात्री उनके एयरपोर्ट पर लैंड होता है उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के लिया, जिसमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। तो इसे वह भरकर उस एयरपोर्ट में सबमिट कर देते थे, जिससे अगर फ्यूचर में कोई केसेस बढ़ जाते हैं और उनमें इन व्यक्तियों का जिक्र होता है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की वजह से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। अभी हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति वियतनाम में एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है या फिर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाता है या किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाता है तो उसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ही पड़ता है। अगर वह व्यक्ति उस फॉर्म को भरने से इनकार करता है या फिर उसने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में भरी है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। स्ट्रेटेजी का दूसरा पॉइंट अफोर्डेबल टेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। वियतनाम ने अब तक 3 सबसे सस्ती टेस्ट किट्स बनाई हैं जिसकी कीमत $25 से भी कम है और इसकी एक खासियत है कि यह सिर्फ 90 मिनट में आपको रिजल्ट्स दिखा देती है। वियतनाम की गवर्नमेंट को इतनी सस्ती किट मैन्युफैक्चर्ड करने की वजह से ये लाभ हुए कि उन्होंने बहुत जल्दी से और काफ़ी मात्रा में टेस्टिंग बढ़ा दी है, जिससे उनके जो केसेस हैं वो जल्दी मिलने लग गया और उन्होंने काफ़ी जल्दी डिसीजंस ले लिए। और इस किट की एक खास बात यह है कि ये कम्प्लीटली वियतनाम में मैन्युफैक्चर की गई है, जिससे इसकी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत कम हो जाती है। तीसरा है क्वारंटीन पॉलिसी। फरवरी के बीच में वियतनाम ने अपने जो सिटीजन्स हैं और जो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स हैं उनकी टेस्टिंग चालू कर दी और टेस्टिंग के बाद इन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाता था। और वियतनाम की गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले लोगों को खासकर रोक रखा था ताकि उनसे किसी वियतनाम सिटीजन को कोरोना ना हो। वियतनाम गवर्नमेंट के क्वारंटाइन की खास बात यह है कि उन्होंने जो भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पाया जाता था उसका नाम पब्लिसाइज्ड कर दिया है, मतलब मीडिया थ्रू या फिर रेडियो थ्रू पब्लिक को बताया गया है कि यह लोग को कोरोना हुआ था। इसका यह फ़ायदा हुआ कि जो व्यक्ति कोरोना ग्रस्त के संपर्क में आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली घर पे ही क्वारंटाइन बना रहे। और अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति के कांटेक्ट में आया हुआ है तो उसे मैंडेटरी क्वारंटाइन में रखा जाता था और उस पर काफ़ी निगरानी भी रखी जाती थी। जो भी व्यक्ति कोरोनाग्रस्त व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसे फर्स्ट कांटेक्ट कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस कोरोनाग्रस्त व्यक्ति से मिलने जाता है तो उसे सेकंड कांटेक्ट कहा जाता है। और अगर कोरोनाग्रस्त व्यक्ति
जिन जिन लोगों से मिलता है उन्हें थर्ड कॉन्टैक्ट के रूप में माना जाता है। इन सभी लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जाता है। तीसरा है टारगेटेड लॉकडाउन। वियतनाम ने फरवरी मंथ में ही स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए थे। वियतनाम सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, जिससे लोगों को एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ा। 23 अप्रैल को जब वियतनाम गवर्नमेंट को एक भी कोरोना का केस नहीं मिला तो उन्होंने सभी लॉकडाउन हटा दिए और उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस 4 मई से चालू कर दिए। अभी की स्थिति देखें तो वियतनाम गवर्नमेंट पूरी दुनिया में पीपी किट्स और मास्क का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आखिरी स्ट्रेटेजी है कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन। वियतनाम गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही अपने लोगों से संपर्क बनाए रखा था कोरोना के अपडेट से। उन्हें SMS, TV, एडवर्टाइजमेंट और कार्टून्स द्वारा कोरोना से अपडेट रखा जाता था। फिलहाल उनका एक वायरस सेफ्टी डांस भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और कैसे लोगों को क्राउडेड प्लेसेस में जाने से रोका जा सकता है। गवर्नमेंट द्वारा लोगों को बताया गया कि COVID-19 एक कोई आम फ्लू की तरह नहीं है, ये काफ़ी जल्दी से ट्रांसमिट होने वाला वायरस है जो किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। कोरोना वायरस जैसे आफत की स्थिति में काफ़ी जो देशेस है पूरे वर्ल्ड की, तो वह रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। पर वियतनाम जैसी कंट्री पर अगर हम नज़र लगाएं, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई है तो वह अपने आप को रिसेशन की ओर जाने से रोक रहे हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में कुछ रिसेशन के प्रभाव दिख सकते हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने के बाद उनके रिसेशन फ्यूचर में काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के हिसाब से जो वियतनाम की इकोनॉमी है उसमें 2.7% की कमी आ सकती है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम है। और इनकी इकोनॉमी 2021 में 7% तक बढ़ सकती है, तो वियतनाम की गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी बात है। सो सभी कंट्रीज़ को ऐसी स्ट्रेटजी अपनाकर कोविड के जो केसेस हैं वो कम करने चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।